मेरा नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी झा बैनर्जी। आज के शो के बारे में थोड़ा बताएं कि इस शो का नाम है कम सितंबर। कम सितंबर बहुत दिन से इसके बारे में सोच रहे थे कि कुछ एक शो ऐसा होना चाहिए जो कि वसंत के आगमन पे हो। तो आज 5 दिन का ये कार्यक्रम ख़त्म हो रहा है और इस शो में 14 आर्टिस्ट हैं। 14 आर्टिस्ट में 11 पेंटर्स और 3 स्कल्प्टर्स हैं। और ये खुशी होगी आपको जानकर कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो देश के अलग अलग जगहों से हैं, हैदराबाद से, अगरतला से, जबलपुर से, शांति निकेतन, दिल्ली। तो इस तरीके से बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आए हैं। ये बहुत अच्छा शो रहा है और ये शो चूँकि मैंने क्यूरेट किया है तो मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों में इस बात की संतुष्टि है कि शो एक अच्छा रिस्पांस दे रहा है। और हम अपने काम के बारे में अगर बताएं तो मेरे काम में आप देखेंगे कि बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ होता है। एक्रेलिक में काम करते हैं हम और जो कलर का जो थेरेपी है वो कई लेयर में होता है। और अगर थोड़ा और बारीकी से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो दिखेगा कि मेरे रंगों में चटकपन है, प्लस जो काम है उसमें मधुबनी का फ्लेवर आता है। तो मिथिला के क्षेत्र के होने का के कारण मुझे लगता है कि ये बहुत सहज रूप से मेरे काम में आता है। और मेरा 3 काम था इस शो में, एक बायोस्कोप है, एक पेंटिंग है और एक दुर्गा की का फेस है, मास्क है। और काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद किया है, मुझे खुशी है इस बात की कि शो अच्छा रहा और बाकी सारे लोगों के काम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा काम एक कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो मेरे काम में एक पूरे वॉल पे आपको दिखेगा एक बायोस्कोप, एक बड़ी पेंटिंग और एक दुर्गा का चेहरा जो मास्क है। इसके पीछे का कारण ये है कि मेरे काम का नाम है आगोमुनि। आगोमुनि का मतलब है आगमन, दुर्गा का आगमन। तो जब ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया तभी मुझे लगा कि सिर्फ फ्लैट 2D से काम नहीं चलेगा, मुझे 3D ऐड करना होगा। और इसीलिए बायोस्कोप है। बायोस्कोप सिर्फ बायोस्कोप नहीं है, बायोस्कोप एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है, एक मेले का फीलिंग देता है, एक उत्सव का फीलिंग देता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो कंपोनेंट था मेरे आर्ट का। और दूसरा कि दुर्गा की प्रतिमा जो चेहरा आप देख रहे हैं वो दुर्गा सिर्फ दुर्गा ही नहीं है, वो एक देवी के आगमन का द्योतक है। मतलब सिर्फ एक फेस को आप नहीं ले, एक फेस्टिवल का द्योतक है। तो वसंत के आगमन पर ये 5 दिनों का फेस्टिवल रहा हमारा। ये 5 दिनों का सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, प्रदर्शनी नहीं, इसको हम फेस्टिवल मान रहे हैं। अभी आप अगर देखेंगे मेरे काम में अगर 2D से 3D पे आया है तो अभी दुनिया बहुत रफ्तार से जा रही है। अगर आप बाकी कलाकारों का भी काम देखें, देश विदेश में काम देखें, तो अब हमारे विजुअल आर्ट में भी परफॉर्मिंग आर्ट आ गया है। तो अभी कलाकार बहुत परफॉर्म भी कर रहे हैं और ये एक माध्यम है हमारे एक्सप्रेशन का एक माध्यम है। तो अब ऐसा कुछ बंधन नहीं रह गया है कि जो पेंटर्स हैं वो सिर्फ पेंटिंग करेंगे। तो मेरे काम में आप देखेंगे कि जो 3D लुक जो आया है वो बहुत अब एक्सेप्टेंस है। और कलाकार की तो यही उन्मुखता है ना कि हम बहुत बंधे हुए नहीं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, एक्सप्रेशन आना चाहिए। सो यही है, थैंक यू।